हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडो फॉर्म रिएक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया हेलो फॉर्म रिएक्शन होते क्या हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें आपको मिल जाएगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। जब आप वो वीडियो देखेंगे तब जाके ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि रिएक्शन वगैरह जो मेन मेन है हमने उसी वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज देख लेते हैं आइडो फॉर्म रिएक्शन क्या होते हैं। इसके जो रिएक्शन होंगे उसको आप उसी वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में हम आयोडीन को ऐड करते हैं NaOH की प्रेजेंस में। अगर जो है ये रिएक्शन दे रहा है तो सॉल्यूशन का कलर जो है येलो हो जाएगा। अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द रिएक्शन इन विच I2 इज एडेड इन द सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वस NaOH इज कॉल्ड आइडो फॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिए हैं। सॉल्यूशन में हम I2 ऐड कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है, अगर रिएक्शन वो देगा तो एलो PPT जो है वो जनरेट होगा। PPT क्या होता है, PPT जैसे आप देखते होंगे दूध कभी कभी फट जाता है तो उसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, PPT कहते हैं। ऐसे इसमें क्या होगा, येलो कलर के PPT जनरेट हो जाएंगे। तब वो क्या होगा, आइडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। जो येलो कलर का PPT जनरेट होता है ना, वो किसका होता है, CHI3 का, CHI3 का होता है। और अगर ये रिएक्शन नहीं जनरेट, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो येलो कलर का PPT जो है वो जनरेट नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में I2 ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। अगर रिएक्शन हो रहा है तो येलो कलर की PPT जनरेट होगी, वो किसकी होगी, CHI3 की। और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो येलो कलर की PPT जनरेट नहीं होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम। अब ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन का यूज़ भी होगा, तो यूज़ देख लेते हैं। आइडो फॉर्म रिएक्शन का यूज़ हम करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। देखिए, मेथिल कीटोन फॉर्म अदर कीटोन, जो अदर कीटोन है उससे मेथिल कीटोन को अलग करने के लिए। अब आप बोलोगे कि मेथिल कीटोन क्या होते हैं, तो मेथिल कीटोन वो होते हैं जैसे कि CO है आपके पास, अगर इस साइड में किसी भी साइड में आपका CH3 अटैच है, किसी भी साइड में CH3 अटैच है, तो वो हो जाएगा आपका मेथिल कीटोन। दोनों साइड में ना हो करके, अगर चलो दोनों साइड में है तब भी वो मेथिल कीटोन ही है, अगर मान लीजिए एक साइड में है केवल तब भी वो क्या है, मेथिल कीटोन है। तो अदर कीटोन से मेथिल कीटोन को अलग करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए कि ये मेथिल कीटोन है कि नहीं है, किसका प्रयोग करते हैं हम, आइडो फॉर्म रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं, आइडो फॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है। अब सेकेंड क्या होता है, और अगर आपको ये रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन आपको हेलो फॉर्म टेस्ट में आपको रिएक्शन मिल जाएगा। और सेकेंड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म अदर एल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का भी हम पहचान करते हैं अदर एल्डिहाइड से। अगर मतलब आपके पास ढेर सारे एल्डिहाइड हैं, आपको जानना है कि इसमें एसिटल एल्डिहाइड है कि नहीं है, तब भी हम इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब एसिटल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COH, इसको क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड में अगर आपके पास एसिटल डिहाइड है तब ये रिएक्शन होता है, और सारे एल्डिहाइड में ये रिएक्शन नहीं होता है, केवल क्या देता है, एसिटल डिहाइड भी ये रिएक्शन करता है और कोई नहीं करता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल, जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं जिससे OH जो है सेकेंड कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी एल्कोहल प्लस होना चाहिए वो, और जो OH ग्रुप है वो सेकेंड नंबर कार्बन के साथ अटैच हो। अब सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है जो कार्बन है ना वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच होना चाहिए। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे डायरेक्टली दो कार्बन अटैच होना चाहिए, तो क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन होते हैं। और एक पॉइंट इसमें ये बोला गया कि वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच हो, OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच हो। अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं ना तो सेकेंड नंबर कार्बन से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए CH3 है,
और ये CH2 हो गया और ये हो गया आपका CH3। तो आप नंबरिंग करिए 1, 2। तो यहाँ पे जो दो नंबर का कार्बन है उससे क्या अटैच है, OH अटैच है, उससे क्या अटैच है, OH अटैच है। इसमें बोला गया है कि एल्कोहल जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए और जो OH ग्रुप है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो सेकेंडरी एल्कोहल तो ये है क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है उससे दो कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी हो गया। और जो OH ग्रुप है वो सेकेंड नंबर कार्बन से भी अटैच है। अगर आप नंबरिंग करो 1, 2, OH ग्रुप कहाँ अटैच है, सेकेंड नंबर कार्बन से। तो ये भी क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, आइडोफॉर्मिक टेस्ट ये देगा। इसको भी हम अलग कर सकते हैं अदर एल्कोहल से, अदर एल्कोहल से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब एथेनॉल को भी हम अलग कर सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल से, प्राइमरी एल्कोहल से हम एथेनॉल को अलग करने के लिए भी ये आइडोफॉर्म का टेस्ट करते हैं। अब एथेनॉल को हम मेथेनॉल भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देख लेते हैं, मेथिल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन, एसिटल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम अदर एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स हैविंग OH ऑन सेकेंड कार्बन एटम, एथेनॉल फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल, एथेनॉल को हम मेथेनॉल भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।